चींटियों से सीखें कि भाड़ में जाए दुनिया और हम बजाएं अपना हारमोनिया। बॉस लोग तो उंगली जरूर करेंगे, लोग तो उंगली जरूर करेंगे, ये तुम पे डिपेंड करता है कि वहीं रुकना है, वहीं थम जाना है या फिर आगे बढ़ते रहना है। आगे बढ़ गए तो सफल हो जाओगे और वहीं रुक गए तो निपट जाओगे। एक छोटी सी चींटी के अंदर भी कमाल का एटीट्यूड होता है, बहुत कुछ आप इससे सीख सकते हैं। हाय, दिस इज योर फ्रेंड रोहन सलूजा, ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि चींटियों से सीखे कि भाड़ में जाए दुनिया और हम बजाएं अपना हारमोनिया। आज टोटल 5 बातें मैं आपको बताऊंगा, वो 5 बातें जो आप चींटियों के जीवन से सीख सकते हैं। पहली बात, हार्ड वर्किंग होना, कड़ी मेहनत करना, बहुत ज्यादा मेहनत करना। चींटियां आपको हमेशा बहुत ज्यादा हड़बड़ी में दिखेंगी, या तो कहीं जा रही होती या फिर वो कहीं से आ रही होती है। वे अपने सर पे अपने से कहीं ज्यादा वजन लादे रहती हैं, निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहती हैं, निरंतर कठिन परिश्रम करती रहती है। पर आप और हम, या हम अपने जीवन में उतना एफर्ट लगा रहे हैं क्या? हम उतनी मेहनत कर रहे हैं जितनी मेहनत हमें करनी चाहिए? चींटियां ना मूड की गुलाम होती है, ना परिस्थिति की और ना ही अपने दिमाग की। बट वी ह्यूमन बींग, हम कहीं ना कहीं मूड के गुलाम होते हैं। मूड नहीं है तो काम नहीं करेंगे। परिस्थिति के गुलाम होते हैं, परिस्थिति अच्छी होगी तब काम करेंगे। और उससे बड़ी बात, हम अपने आज दिमाग के भी गुलाम हो चुके हैं। वो दिमाग जिसको हमको अपना गुलाम बनाना था, हमारी स्थिति कहीं ना कहीं उस डॉग के ऑनर के जैसी है जो रोज सुबह अपने डॉग को बाहर घुमाने ले जाता है। डॉग रुका तो ऑनर रुक गया, डॉग चलने लगा तो ऑनर को भी चलना पड़ेगा। कोई पड़ोसी मिल गया, कोई नियर डियर मिल गया, कोई दोस्त मिल गया, कोई रिलेटिव मिल गया, तो उसके पास भी नहीं कर सकता। इतनी फ्रीडम भी नहीं है उस डॉग के ऑनर के पास। हमारी लाइफ भी कुछ आज ऐसी हो चुकी, अगर जीवन में लक्ष्य को पाना है तो कड़ी मेहनत करनी होगी। चींटी से सीखना होगा कि निरंतर अनुशासन के साथ, बिना कंप्लेन के, बिना शिकायत के मेहनत करते रहे। चींटियां ठंड के दिनों के लिए गर्मियों में कितना खाना इकट्ठा करती होंगी? उतना जितना वह कर सकती हैं। दूसरी बात जो हम चींटियों से सीख सकते हैं वो है विजनरी होना, फ्यूचरिस्टिक होना और फ्यूचर प्लानर होना। चींटियां गर्मियों के दिनों में इतना खाना इकट्ठा कर लेती कि ठंड में उन्हें कोई तकलीफ ना हो। मालूम है ठंड में भोजन नहीं मिलेगा, इसलिए गर्मियों में काम पे लग जाती, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ती रहती। गर्मियों में ठंड की प्लानिंग करना, ठंड में गर्मियों की प्लानिंग करना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो रोज एक ही तरीके से काम कर रहे, रैंडम काम कर रहे, कोई परिवर्तन नहीं ला रहे अपने जीवन में, कोई गोल नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई रिटर्न प्लान नहीं। इवन बहुत सारे लोग जो आज सेल्स के अंदर हैं, उनके पास कोई प्लान नहीं है कि कैसे अपने सस्पेक्ट को प्रोस्पेक्ट पे कन्वर्ट करें, कैसे कस्टमर की लॉयल्टी गेन करें, कैसे कस्टमर को बेटर एक्सपीरियंस दें, कैसे अपने सेल्स के अंदर, सेल्स के प्रोफेशन के अंदर हम ग्रो करें। कोई प्लान नहीं है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा डर होता है रिजेक्शन का। पर चींटियां इस बात को भली भांति जानती हैं कि योजना बनाने से ना सफलता की सीढ़ी तक चढ़ा जा सकता है, पर हम इन चीज़ों को समझते नहीं। ह्यूमन बींग, हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, कोई लक्ष्य नहीं रहता। कितने सारे लोग हैं जिनके पास रिटर्न गोल ही नहीं। अगली बात जो चींटियों से आप सीख सकते हैं, हाईली फोकस्ड होना। चींटियां वो होती जो मल्टीटास्किंग नहीं करती, सबसे अच्छी बात उनकी यही है। बट वी ह्यूमन बींग, हमको लगता है कि हम मल्टीटास्किंग करके एक समय में बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं, पर ये मिथ्या, ये भ्रम है। मल्टीटास्किंग इज नॉट मल्टीटास्किंग, बट मल्टीटास्किंग इज अ टास्क स्विचिंग। हम अपने जीवन में हर जगह हर काम में अधूरे हैं, कहीं ना कहीं हम 50-50 हैं। पर चींटियां अपने जीवन में 99-1 के सिद्धांत पर चलती है। 99% वो काम जो उनको इम्पोर्टेंट नहीं लगता उस पर वो अपना एफर्ट, अपना टाइम नहीं लगाती, और वह 1% काम जो उनको लगता है इम्पोर्टेंट है, जिसको करने से उनके जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है, वो उस पर पूरा फोकस करती है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं। इनफैक्ट चींटियों के भी जीवन में, उनकी लाइफ में भी, उनके काम के अंदर भी उनका भी KRA डिफाइंड होता है, जिसको कहते हैं की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया। उनके जीवन में भी उनको HR प्रोसेस को इंप्लीमेंट करना पड़ता है। चींटियों में भी अलग अलग चींटी होती है, रानी चींटी, नर चींटे, या फिर मैं कहूँ कर्मचारी चींटियाँ। रानी चींटी अंडे देती और नर चींटे अंडे पैदा करने में रानी चींटियों की मदद करते हैं, और जो कर्मचारी चींटी होती है उनका काम, उनका KRA होता है कि भोजन इकट्ठा करना। हर एक चींटी को उनका KRA मालूम होता है, अपने काम के अंदर 100% 100% पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ, पूरे फोकस के साथ वो अपना काम करती। बट वी ह्यूमन बींग,
हम अपनी जिंदगी में 50-50 में एक और खूबसूरत कहानी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक बार एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा कि भाई मैं एक होटल में जा रहा हूँ, रात को वहीं डिनर करूंगा, बहुत बड़ी बिजनेस डील होने वाली, बहुत बड़ा लाखों का सौदा आज होने वाला। पत्नी बड़ी खुश हुई, बोली बेस्ट ऑफ लक, जाइए। रात को पति घर लौटता है, पत्नी पूछती अजी क्या हुआ, आप तो सौदा करने गए थे, बिजनेस डील करने गए थे। पति ने कहा हुआ पर 50-50। जब पति सोने गया तो पत्नी को कुछ समझ में नहीं आया, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई, वो गई और अपने पति से पूछी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 50-50। तो पति ने कहा मैं तो पहुंचा पर वो जिससे मीटिंग कर रही थी वो नहीं आया। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी है, अगर जीवन में सफल होना है तो चींटियों की तरह फोकस रहना होगा, 80-20 के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, 80% वो चीजें जिसको करने से जीवन में कोई लाभ नहीं होने वाला उसको छोड़ देना और 20% चीजों पे फोकस करना है। चौथी बात जो हम चींटियों से सीख सकते हैं वो है वीक एटीट्यूड। चींटियां वो होती है जो निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रहती है। आप इनके रास्ते में कितनी भी बाधा डाल दें, आप चाहे इनके रास्ते में पत्थर रख दें, चाहे पेन रख दें, आप इसे कितना भी उंगली करें ये रुकने वाली नहीं है। आप पत्थर रख दीजिए ना, ये ऐसे निकल जाएंगे, ये लेफ्ट से निकल जाएंगे, राइट से निकल जाएंगे, ऊपर से निकल जाएंगे, नीचे से निकल जाएंगी, कहीं से भी निकल जाएंगी, लेकिन रुकना स्टॉप शब्द इनकी डिक्शनरी में नहीं है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो आप चीजों से सीख सकते हैं, पांचवी बात सेल्फ डिसिप्लिन होना। चींटियों के जीवन में बहुत ज्यादा अनुशासन होता है, आप कभी भी इनको देखेंगे ये कतार में बढ़ती रहती है। इनके जीवन में एक्सक्यूज ना की कोई चीज नहीं होती, कोई बहाना नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई मूड का गुलाम नहीं होना, कोई परिस्थिति गुलाम नहीं होना, पूरे अनुशासन के साथ पूरे फोकस रहकर अपने काम को ये करती रहती। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है, जो आप चींटियों के जीवन से सीख सकते हैं, जो भी बात आपको लगता है कि आपको अपनी लाइफ में तुरंत इंप्लीमेंट करना चाहिए उसको आप तुरंत इंप्लीमेंट करें, डेफिनेटली आपको इसका फायदा जरूर मिलने वाला है। और एक बात, अपने कान, अपना दिमाग और अपनी आंखें पूरी तरीके से खुली रखें, जहां से जो सीखने का आपको मौका मिल सकता है उसको सीखिए और अपने लाइफ में उसको इंप्लीमेंट करिए और एग्जीक्यूट करिए। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और भी अच्छा लगे तो बस देखते रहिए। मुझे इतने धैर्यपूर्वक और इतने अच्छे से आपने सुना उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।